Good morning students. Today we will start our first chapter of 11th class is the geography as a discipline. First of all we know what is the geography. Geography is the relationship between the human and physical environment. जो geography है उसको हिंदी में हम भूगोल कहते हैं. तो जो भूगोल शब्द है सबसे पहले उसका प्रयोग किया जाता था, हमारी जो पृथ्वी है उसको गोल माना जाता था. केवल ये कहा जाता था कि हमारी पृथ्वी है वो गोल है, इतनी ही स्टडी हम भूगोल के अंदर करते थे. लेकिन उसके बाद में इसका जो शब्द है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इरेनियस ने किया था 232 ईस्वी में. उसके बाद जो ज्योग्राफी शब्द है उसको एक विषय के रूप में माना जाने लगा, एक एज ए डिसिप्लिन उसकी स्टडी की जाने लगी. तो जो हमारा 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन भूगोल ज्योग्राफी विषय के रूप में, तो आज हम उसी स्टडी करेंगे. हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो ज्योग्राफी शब्द है वो मेड बाय द टू वर्ड्स जियो प्लस ग्राफी, यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी, जिसके अंदर जियो का अर्थ होता है आर्थ और जो ग्राफी होता है इट मीन्स डिस्क्राइब करना, यानी कि जो हमारी आर्थ है उसके बारे में डिस्क्राइब करना हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है. उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं. अब हमारी अर्थ के अंदर जो है मनुष्य भी पाए जाते हैं, जो फिजिकल एनवायरमेंट है हमारा माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटो है, रिवर है, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं. तो इनकी जो स्टडी है हम वो ज्योग्राफी के अंदर करते हैं. तो हमें पता चला कि जो भूगोल है वो क्या है, जो ज्योग्राफी है वो क्या है. ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप किसका है, ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरमेंट का. अब हमारा आता है कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो हमारा इसकी जो मेन ब्रांचेज है, देर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी. फर्स्ट इज द फिजिकल ज्योग्राफी. जो ज्योग्राफी है उसके दो मेन ब्रांचेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज द ह्यूमन ज्योग्राफी. तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम फिजिकल फीचर्स स्टडी करते हैं. कौन से फिजिकल फीचर्स, जो अभी मैंने बताए कि माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटो है, रिवर है, महासागर है, ये जो सारे स्टडी है वो हमारी होती है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर. और जो वुमेन से रिलेटेड स्टडी होती है वो हमारी होती है वुमेन ज्योग्राफी के अंदर. तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की जो बात है वो करते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके सब पार्ट कौन कौन से हैं, यानी कि सब जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले जो सब इसकी ब्रांचेज हैं फिजिकल ज्योग्राफी की वो कौन सी हैं. तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी जो मेन ब्रांचेज है फर्स्ट इज द जियोमॉर्फोलॉजी. फर्स्ट इज द जियोमॉर्फोलॉजी. जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको हम हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं. तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें जो प्राकृतिक तत्व हैं जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे फिजिकल फीचर्स जो पाए जाते हैं उसकी स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं. कौन कौन से, जैसे कहाँ पर ज्यादा माउंटेन पाए जाते हैं, कहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है, कहाँ पर हमारे प्लेटो पाए जाते हैं, कहाँ पर हमारे रिवर पाए जाती हैं, दीज आर स्टडीड इन द जियोमॉर्फोलॉजी. जो फिजिकल फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी या हम भू आकृति विज्ञान के अंदर करते हैं. उसके बाद में सेकंड हमारा आता है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी इसको कहते हैं हम जलवायु विज्ञान. क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम जलवायु से रिलेटेड जो स्टडी है हमारी वो करते हैं. क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु से रिलेटेड कहाँ पर कितना टेम्परेचर पाया जाता है, कहाँ पर कितना प्रेशर पाया जाता है, किसी भी जो एरिया है उसका तापमान कितना है, उसका जो प्रेशर है वो कितना है, वहां पर कितनी बारिश होती है, कितनी रेनफॉल है, इस तरह से जो स्टडी है वो हम करते हैं क्लाइमेटोलॉजी. यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किसी भी एरिया की किस तरह से है. अब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग एरिया की अलग अलग होती है. जैसे अगर हम बात करते हैं माउंटेन एरिया की, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है. इसी तरह से जो हम प्लेन की बात करते हैं, जो हमारे मैदानी भाग है वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग होती है. इसी तरह से अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, जहां पर डेजर्ट है, जहां पर रेगिस्तानी एरिया है, तो वहां पर जो क्लाइमेट
पर्वतों की चोटियों के ऊपर, इसी तरह से जो महासागर है वहां उन पे जल जो है वो पाया जाता है। तो इनकी जो स्टडी है वो हम किस पे करते हैं बेटा, ओशनोग्राफी के अंदर करते हैं, या इसको हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसके साथ साथ ना केवल हम जल की स्टडी करते हैं, ना केवल हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि इसके साथ ही मतलब महासागरों के अंदर जो पाए जाते हैं छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो पाए जाते हैं उनकी स्टडी भी हम ओशनोग्राफी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट ही जाता है हमारा सोयल, सोयल ज्योग्राफी के अंदर, यानी कि कहां पर इसको हम मृदा भूगोल बोलते हैं, मृदा की जो स्टडी है वो हम इसके अंदर करते हैं। अब देखिए भी जो अलग जो मृदा है वो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग पाई जाती है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द व्हाई, व्हाट एंड वेयर, कि कहां क्यों और कैसे, इन सब चीजों की जो स्टडी है, इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज्योग्राफी देता है। इसलिए जो सोयल ज्योग्राफी है कहां पर किस तरह की जो सोयल है वो पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी जो सोयल है, कौन सी जो मृदा है वो उपयुक्त रहती है, कहां पर कौन सी जो फसल है वो उगाई जा सकती है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी मृदा से रिलेटेड है। अगर हम अपने जो माउंटेन है जो पर्वतीय भाग है वहां पर हमारी ज्यादातर लाल मिट्टी लेटराइट जो मिट्टी है वो पाई जाती है, वहां पर कौन सी फसलें हो सकती है, मैदानी एरिया के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहां पर कौन सी जो फसलें हैं वो ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से जो डेजर्ट एरिया है जो रेगिस्तानी है वहां पर बालू मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पर किस तरह की जो वनस्पति है वो हो सकती है, ये किस तरह हम करते हैं सोयल ज्योग्राफी में। अब आता है हमारा जो वुमेन ज्योग्राफी है, वुमेन ज्योग्राफी, वुमेन ज्योग्राफी, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ द वुमेन ज्योग्राफी, इट्स रिलेटेड टू द वुमेन, ये जो है वो मनुष्य से रिलेटेड है, वो मनुष्य से रिलेटेड जो सारी स्टडी है वो हम वुमेन ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। कौन कौन सी स्टडी करते हैं, जैसे हमारे होगी कल्चरल ज्योग्राफी, उसके साथ ही हमारी होगी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, फिर होगी हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसी के साथ होगी हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो जो ये चीजें हैं, यानी कि हम मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर तो हम फिजिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं, यानी कि जो प्रकृति ने जिनका निर्माण किया है वो स्टडी करते हैं हम इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में। अब जो वुमेन ज्योग्राफी है, वुमेन ज्योग्राफी में हम मनुष्य से रिलेटेड स्टडी करेंगे कि जो मनुष्य है वो अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरह की जो क्रियाएं हैं वो करता है। अब जो कल्चरल ज्योग्राफी है वो हमारा सांस्कृतिक भूगोल हो गया, अब उसमें हम मनुष्य से रिलेटेड स्टडी कैसे करेंगे, तो मनुष्य जो है वो किस स्थान के ऊपर किस तरह का जो मानव है उसका व्यवहार कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो किस तरह से जीवन यापन करता है, कौन कौन सी वो क्रियाएं करता है, ये सारी चीजें हम कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे अलग अलग जो एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनकी जो स्टडी है वो कल्चरल ज्योग्राफी में करते हैं। अब देखिए कि हमारा जो इंडिया है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारे अलग अलग जो स्टेट हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, इस तरह से हमारे जो स्टेट है उनके लोगों का जो रहन सहन है, लोगों का जो जीवन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उनका जो वेशभूषा है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो सब स्टडी है वो हम करते हैं कल्चरल ज्योग्राफी में। उसके बाद में आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर हम किस तरह की स्टडी करते हैं, जैसे हमारे नेशनल हाईवे कौन से हैं, हमारे स्टेट हाईवे कौन से हैं, कौन कौन सी रेलवे लाइन हमारी बिछाई गई है, कहाँ से कहाँ तक वो जाती है, कितनी उनकी लंबाई है, ये सारी जो चीजें हैं इनकी स्टडी करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में। उसके बाद में आता है हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द वुमेन, यानी कि जो मनुष्य है उससे रिलेटेड है हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसमें हम मनुष्य से रिलेटेड स्टडी करते हैं, कहाँ पर कितनी जो जनसंख्या है वो पाई जाती है, उसके बाद में वहां का सेक्स रेशियो है वो क्या है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, किस तरह की जो स्टडी है, लिटरेसी रेट क्या है, कितने जो मनुष्य है वो पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी है, दीज आर स्टडीज इन द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, यानी कि जो जन्म दर है वो क्या है, मृत्यु दर है वो क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में।
उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। जैसे हमने सोयल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, ऐसे ही हमारी होती है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर के अंदर देखिए हमारे जो रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, उन रीजन के अंदर जिस तरह की सोयल पाई जाती है, जिस तरह की हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, उन क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं वो वहां पे उगाई जा सकती हैं। तो जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है ये इसी से रिलेटेड है कि हमारे जो अलग अलग एरियाज हैं उन अलग अलग एरियाज के अंदर किस तरह की सोयल है, किस तरह की जो कृषि है वो की जा सकती है, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कैसी है, बारिश कैसे होती है, कितनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फसलें हैं उनके वो वहां पे उगाई जाती है। अब ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। अब आते हैं हमारे की जो हमारी ज्योग्राफी है उसके टू मेन अप्रोचेज हैं। तो कौन कौन सी अप्रोचेज है ज्योग्राफी की, सबसे पहले हम अप्रोच की बात करते हैं। तो देर आर टू मेन अप्रोचेज ऑफ द ज्योग्राफी। फर्स्ट इज द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, सेकेंड इज द अप्रोचेज, सेकेंड इज द रीजनल रीजनल अप्रोच। देर आर टू मेन अप्रोच ऑफ द ज्योग्राफी। फर्स्ट इज द सिस्टमैटिक अप्रोच, सेकेंड इज द रीजनल अप्रोच। जो सिस्टमैटिक होता है उसको हम क्रमबद्ध अप्रोच बोलते हैं, क्रमबद्ध उपागम बोलते हैं, और जो रीजनल अप्रोच होता है उसको हम प्रादेशिक उपागम बोलते हैं। तो जो सिस्टमैटिक उपागम होता है उसके अंदर हम एक क्रम से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अलग अलग जो एरिया है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, इस तरह हमारा गुजरात है, ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है, नीचे हमारा क्या है तमिलनाडु है। तो इस तरह से जो सभी हमारे स्टेट है उनकी क्रम के अनुसार जो स्टडी है, सिस्टम के अनुसार जो स्टडी है वो हम इसमें कहते हैं, हम सिस्टमैटिक अप्रोच में करते हैं। ये किससे रिलेटेड होती है, ये पॉलिटी से रिलेटेड होती है। जैसे आपने अभी जो इंडिया का मैप है या जो वर्ल्ड का मैप है उसके ऊपर राजनीतिक मैप लिखा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल जो यूनिट है उससे रिलेटेड होती है हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच। इसके अंदर हम जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो एक यूनिट है, अलग अलग यूनिट के अंदर उनको डिवाइड करके तब हम उनकी एक स्टडी करते हैं। जैसे हमने एक कोई भी एक फिजिकल फीचर्स ले लिया, या हमने क्लाइमेट ले ली, क्लाइमेट ले ली या जलवायु ले ली किसी भी जो प्रदेश है उसकी, उसकी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी हम सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच के अंदर हम जो है वो केवल एक जो फीचर्स है हमारा उसकी स्टडी नहीं करते। जैसे मान लिया हमने सिस्टमैटिक के अंदर एक ले लिया, एक फीचर्स, एक जो फिनोमिना है वो ले लिया, या फिर हमने जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे टेम्परेचर है तो वो ले लिया, उसके आधार पर हमने स्टडी कर दी कि हरियाणा का इतना है, पंजाब का टेम्परेचर इतना है, राजस्थान का इतना है, तो ये क्या होगी हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच होगी। लेकिन रीजनल के अंदर हम जो है वो पूरे प्रदेश का, यानी अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की सभी जो भौगोलिक इकाई है उनको इंक्लूड करते हैं, तब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो रीजनल जो अप्रोच है या जो प्रादेशिक है वो प्रादेशीकरण किया जाता है, यानी कि बहुत सारी जो भौगोलिक इकाइयां हैं उनको मिला करके हम रीजनल अप्रोच का निर्माण करते हैं, या प्रादेशिक जो ज्योग्राफी है उसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो है वो भौगोलिक तत्वों से रिलेटेड होती है, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड होती है ये जो रीजनल ज्योग्राफी, जो हमारी अप्रोच है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारे जो भौगोलिक तत्व है इसके अंदर हम केवल एक जो तत्व है उसको लेकर के नहीं, बल्कि जो सभी है, जैसे टेम्परेचर भी ले लिया, प्रेशर भी ले लिया, रेनफॉल भी ले लिया, ह्यूमिडिटी भी ले ली, उन सब के अकॉर्डिंग हमारी जो पूरा इंडिया है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या आती है, तो ये हम करते हैं रीजनल अप्रोच में। अब आता है हमारा कि जो ज्योग्राफी है उसका अन्य जो सोशल साइंसेज है उनके साथ किस तरह का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ज्योग्राफी इज द मेन सब्जेक्ट इज एंड द अदर जो सब्जेक्ट है वो इसके साथ रिलेट करते हैं। कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड है ज्योग्राफी, तो हम देखते हैं ज्योग्राफी जो है वो हमारे हिस्ट्री के साथ भी है। जैसे ये हमारी होगी ज्योग्राफी, ये रिलेटेड है मैथ्स के साथ, हिस्ट्री के साथ,
पॉलिटी के साथ, एनवायरमेंटल स्टडी के साथ और फिजिक्स के साथ और फिजिकल के साथ, ठीक है। तो जो ज्योग्राफी है वो जो है वो सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। कैसे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के अंदर हम क्यों, कैसे और कहां की जो स्टडी है वो करते हैं। तो सबसे जो मेन रिलेशन है वो हमारा हिस्ट्री के साथ है। तो हिस्ट्री में तो हम किसी स्थान के बारे में पढ़ते हैं, किसी समय के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री के अंदर उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, ये जो घटनाएं हैं वो किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन वो जो घटनाएं हैं वो कहां हुई थी ये स्टडी कर रहे हैं हम ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से ज्योग्राफी के अंदर हम जो राजनीतिक भूगोल आता है, हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी आता है, उसके अंदर हमारे जो पॉलिटिकल कंडीशन क्या क्या है, कितने जो मनुष्य है उनको जो पॉलिटिकल राइट्स है वो मिले हुए हैं, ये सब की स्टडी हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करते हैं। उसके बाद जो मेन ज्योग्राफी है हमारी, उसकी एक मेन ब्रांचेज है जो क्लाइमेटोलॉजी है या जो एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये किससे है, हमारे एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है। इसी तरह से फिजिक्स के साथ है ज्योग्राफी का संबंध, उसी तरह से जो फिजिकल है उसके बारे में भी, जो फिजिकल एनवायरमेंट है वो किस तरह का है और मनुष्य को वो कैसे इफेक्ट करता है, ये सब जो चीजें हैं वो हम इनके रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। अब जो हमारी एक स्टैटिस्टिक, ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर हम मैथ की जो कैलकुलेशन है उनकी स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी इज रिलेटेड विद द अदर सोशल साइंसेज, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर सभी जो सोशल साइंसेज हैं वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का अन्य विज्ञान के साथ किस तरह का संबंध है। तो आज के लिए हम आज के लिए इतना ही करेंगे और कल की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।